नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो आवाम को दी है उसके पीछे असल कहानी क्या है इस पर बात करूँगा और ये बताऊँगा कि जो फैज़ हमीद नेटवर्क है ये बात सिर्फ़ इधर तक ही है ये बात उससे ऊपर भी है और असल डॉन कौन है फैज़ हमीद था या कोई और भी है और वो जो डॉन है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा था बैरून मुल्क कहाँ तक उसके रबते थे और ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है अनर्थ हुआ है इसमें हमारे किसी बैरूनी मुल्क का भी कोई रोल है तो इस पे बात करते हैं नवाज शरीफ को आज आपने देखा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए एक अरसे बाद जब वो पाकिस्तान लौटे थे तो उस वक्त उनका ये कॉन्फिडेंस था या आज फिर उनका देखने में आया और उन्होंने आके पंजाब में एक बड़ा ऐलान किया है ठीक है कुछ लोग कहते हैं ये भी कहेंगे कि देखें पंजाब का ही लीडर निकला बिलाकर पंजाब के लिए ही अनाउंसमेंट की तो भैया उसकी बेटी पंजाब की वजीरेला है तो कल अगर शिवा चाहेंगे तो वो भी उनसे अनाउंसमेंट करवा लें जो को अच्छी अनाउंसमेंट अगर उनके पास है को लोगों को देने के लिए कुछ है तो वो भी करवा लें अब शिवाज शरीफ के पास लोगों को देने के लिए कुछ ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है जो थी उन्होंने कर दिया था उन्होंने 50 अरब का जो आ, अपना पी था यानी कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम उस पर कट लगा के उसने 200 यूनिट तक कर दिया था ऐलान अब पंजाब हुकूमत ने अपने अखराज कम करेगी वो और तरक्याती बजट पे कट लगाएगी ज़ाहिर है और वो रकम जो है वो इसमें दी जाएगी जो बिजली सार्फिन के लिए 500 सौ यूनिट तक के लिए चौदह नपये फ़ी यूनिट की जो रियायत का ऐलान किया है तो ये ऐसे बहुत मुश्किल था हो ही नहीं सकता था जितनी टाइट मॉनिटरिंग और जितना टाइट उस पर सर्वलेंस जो है वो इस वक्त की हुई है आईएमएफ ने आप एक आना इधर से उधर नहीं कर सकते तो आपने जो भी देना था वो अपने ही छाबे से निकाल के इधर आवाम की तरफ देना था तो जो एम पी एस को तरक्याती बजट दिया जाता है उनके हलकों में तरक्याती काम करवाने के लिए या ओवरऑल पंजाब में जो तरक्याती काम होने थे और दूसरी बात आगे फिर ये कि हुकूमत के अपने अखराज होते हैं तो उन पर यह कट लगेगा बहुत अच्छी खबर है बहुत लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ है जो नवाज शरीफ की मुंह से कहलवाया गया और फिर उन्होंने एक सवाल भी किया उन्होंने कहा कि अब बताएँ मुझे कि मुझे क्यों निकाला इन ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला था और मैंने ये दिन देखने थे यानी उनका कहने का मकसद ये था कि उनके मुताबिक पाकिस्तान तो उनके दौर में तरक्की कर रहा था और जब उनको निकाला तो ये हालत अब आके उनको मिली है पाकिस्तान की कि उनको फिर इधर से उधर से मैनेज करके लोगों को रिलीफ देना पड़ रहा है वो बराह रास्त रिलीफ नहीं दे पा रही हुकूमत तो इसका सिर्फ यहाँ तक की मतलब नहीं है इसका मतलब एक और भी है वो ये है कि नवाज शरीफ ने आज एक बड़ी गिरफ्तारी एक बड़े नेटवर्क के अनर्थ होने के बाद इतने कॉन्फिडेंस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वरना वो सामने नहीं आ रहे थे वो खामोश थे वो बात ही नहीं कर रहे थे तो उन्होंने आ ये गो के उन्होंने अपनी बेटी की हकूमत के हवाले से ही कुछ लोग कहेंगे या कहा जा सकता है लेकिन रिलीफ तो अल्टीमेटली जब को मिला और वो सामने आए हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है एक उन्हें रिलीफ़ मिला ख़ुद भी ज़ाती तौर पे कि जिन लोगों ने उनके साथ इतना कुछ किया था अब वो लोग अपने अनजाम को पहुँच रहे हैं पहले एक जज साहब थे जो रिज़ाइन कर गए जो मॉनिटरिंग जज थे जो उनके पनामा के केसों पे मॉनिटरिंग जज लगाए थे जस्टिस एजाज अहसन और दूसरा जो बड़ा कर बल्कि सबसे बड़ा करैक्टर तो यही थे फैज़ हमीद साहब हाँ ठीक है कुछ जनरल बाजवा का नाम भी ले ले बेशक लेकिन फैज़ हमीद जो हैं ये थे जिन्होंने सारा पनामा का सारा केस जो है वो लड़ा शक्त अजीज़ सदीक़ी के घर भी गए कि हमारी दो साल की मेहनत ज़ाया नहीं करनी हम सजाएँ दिलवा रहे हैं आपने ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से भी इन्हें आउट रखना है तो आज वो पकड़े हुए हैं तो जाहिर है कि ये एक बड़ा रिलीफ था नवाज शरीफ के लिए अब ये जो अब हम चलते हैं पीछे की तरफ के ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है क्या ये फैज़ हमीद ही था सब कुछ ये जो जितना कुछ हो रहा था इसकी सरबराई किसके हाथ में थी और यानी कि इसका असल फायदा कौन ले रहा था इसका डॉन कौन था तो वो फैज़ हमीद ही नहीं था फैज़ हमीद तो चला रहा था इस नेटवर्क को और ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि आपकी सोचोगे बड़े सवाल उठते थे हम भी सवाल करने वालों में शामिल थे कि भाई अब नई क्यादत आई है पाकिस्तान मिलिट्री की तो फिर ये सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा सारी चीजें उनके हक में क्यों चलती जा रही हैं और अड्याला जेल जो है वो तो एक चौक बन के रह गया है यानी कि वो जब चाहें जिससे चाहें जो चाहें वो रता कर लें जो अपना पैगाम पहुंचाना चाहें वो पैगाम पहुंच जाए लोगों तक तो बातें ये नहीं आ रही थी हमें तो बिनक पड़ रही थी कि बाहर बैरून मुल्क रबते हो रहे थे जी इमरान खान के बैरून मुल्क रबते एक कैदी के और बड़ी बड़ी शख्सियात से जो इन्फ्लुन्शल है कूमतों से कुछ तो हुकूमतों से रबते भी हुए और एक ऐसे मुल्क ने तो उनकी रहाई का मुतालबा भी कर दिया जिसको हम जिसका नाम नहीं कुछ सुनना चाहता तो ये रबते जो थे वो किस तरह से होते थे वो जेल के लोगों के टेलीफोन से होते थे जो पकड़े गए उनके टेलीफोन से तीन तीन सिमें गैर मुल्की रखी हुई थी और उनसे रबते उन 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 टेलीफोनों से उन सिमों से जो थे वो रबे होते थे और फिर ये देखें कि कितना बड़ा नेटवर्क था कि वो यहाँ से बैठे जेल में बैठ के लोगों से रबते हो रहे हैं बातचीत हो रही है चीज़ें तय हो रही हैं और यहाँ पे हर चीज़ पैरालाइज कर दी गई है इधर से भी रिकॉर्ड निकल के किसी यूट्यूबर को जा रहा है उधर से भी निकल के किसी यूट्यूबर को जा रहा है फिर ये कि एक, एक पूरी एक नेटवर्किंग हो रही है और फिर ये कि ऑर्गेनाइजेशन हो रही है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लोगों को मुख्तु मौाकों पर किया गया सब कुछ देखा सब ने देखा नौ मई और उसके बाद भी और ये जो अब जो मैंने पहले भी अभी दो तीन चार वी से मैं आपको ये बात मुसलसल बता रहा हूँ के ऑर्गनाइज़ किया जा रहा था तलबा मूवमेंट के नाम से एक एक लहर उठाई जा रही थी इंतजार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी तो ये सारा कुछ इतना कुछ यहाँ होता ही जा रहा था इसलिए कि बहुत वसी नेटवर्क था बहुत रूट्स थी उसके और टाइम लगा जाहिर है लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़े कम टाइम में डी रूट कर दिया गया है और अब वो चीज़ें जो हैं वो अब वो 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 सिस्टम वो नेटवर्क जो है वो अब वो नहीं है और बड़ी मुश्किल से और उसमें एक ऐसे मुल्क ने भी हमारी मदद की है जो माजी में हम जिसके मुखालफ पोल में पुल में हुआ करते थे दुनिया बाई थी ना तो हम मुखालफ पुल में हुआ करते थे उ, उनकी उन्होंने भी हमारी मदद की है इस सब कुछ को अनर्थ करने के लिए और बताया है कि क्या हो रहा है आपके साथ और ये वही मुल्क है जिसने टर्की में भी इतला कर दी थी याद होगा कि जब वहाँ पे एक कू हो रहा था तो उस कू की इतला भी उसी मुल्क ने की थी उसी इंटेलिजेंस ने उस इंटेलिजेंस ने भी इस बार भी हमें हेल्प आउट किया है लेकिन हमारी अपने इंटेलिजेंस ने ओवरकम किया है अपने अंदर के लोगों के जिस तरह से आपने देखा कि एक ब्रिगेडियर गफार के नाम से जिसे बीजी कहा जाता था और ये आ, मीडिया के लोगों के दरम्या भी उनका नाम बी के तौर पर मशहूर था ब्रिगेडियर गफार ये वही ब्रिगेडियर गफार हैं जिनके बारे में अब सार आलम ने कहा है कि उनको जो कॉल आई थी फैज़ अमीद की कि आप हमें लिफ्ट नहीं करा रहे तो हमारे काम नहीं कर रहे तो मैं ब्रिगेडियर साहब को भेज रहा हूँ तो वो दो टी वी के लाइसेंस करने ये वही ब्रिगेडियर गफार हैं ये वही है। उन्होंने गए थे उन्होंने ही जाना था और वो दो टी चैनल चलाते रहे हैं वहाँ पर ये बीजी के नाम से मशहूर थे और इन्होंने ही वो जो उस टीवी के लिए जो फंडिंग थी टॉप सिटी वाले से और इधर उधर से पकड़ के जो थी वो चलाई थी और फिर एक और टाइकून ने इसमें हेल्प आउट किया था तो ये कोई एक बीजी नहीं है बहुत से बीजी थे यहाँ पे एक युवान सदर में थे ब्रिगेडियर साहब जिनको हटाना मुश्किल हो गया था बड़ी मुश्किल से वो फिर अलवी साहब के साथ ही गए और भी बहुत और फिर ये कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है इलेक्शन तो बेसिकली इन्होंने छीना था इस नेटवर्क ने छीना और इतने पैसे में छीना कि आप मतलब सुन के हैरान होंगे पचास अरब रुपए में रुपए में बड़ी ताकत है जब रुपया देखता है ना कोई तो फिर उसको मौत भी छोटी लगने लगती ये जितने लोग इस्तेमाल हो रहे थे कोई जेल से ले के कोई इंटेलिजेंस के अंदर से कोई बाबरदी लोग कोई सिविल में अभी एक जो आई जी जेल खाना जाद पकड़े गए तो ये भी तो बैरून मुल्क से आने वाले सरमाए को रस्ता दिखाते थे उसको दिया उसको दिया तो सरमाया आ रहा था बहुत डॉलर्स पाउंड्स ये उसका कमाल था ये जो पुतलियां नाच रही थी उसके पीछे ये डॉलर थे ये पाउंड्स थे तो ये जो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन चुराया गया इलेक्शन छीना गया चुराया भी नहीं गया छीना गया ये जो केपी में इतना बड़ा मैंडेट आया है ये छीना गया अब इस पे तो मैंने क्या बात करनी है ये तो बताए ना जिनसे छीना गया जिनके हाथ से छीना गया इस नेटवर्क ने छीना और पैसा लगा के छीना तो वो बताएं कि वो कैसे छीना गया देखें मैं एक बात आखिर पे करूं कि ये सारे इनकशाफात मैं भी कर रहा हूं बहुत से लोग कर रहे हैं ये सिर्फ इंकशाफा इंकशाफा तक तो गेम नहीं रहनी चाहिए ना ये जिन्होंने करना है ना वो करके भी दिखाएं अब और लोगों को बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ था किसने क्या किया था और कौन कौन शरीक था और कितने पैसे कित, कहाँ से आए पूरी कहानी अब को बताएंगे तो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें अभी भी लोग उस तरह से पूरी तरह बहुत से लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है तो फिर जब आप हकायक सामने लाएंगे तो लोग मानेंगे ना तो हकायक को सामने लाना पड़ेगा हकायक तो खुद बोलते हैं उसको तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बयानियाँ देने की ज़रूरत पड़ेगी कोई बेहतर अल्फाज लाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप हकायक को सामने ले आएँ लोगों को समझ आ जाएगी और लाने चाहिए इनको लाए बगैर अभी भी अगर आप आगे बढ़ेंगे आप फिर वही सवाल उठाएंगे जो आज फिर नवाज शरीफ ने उठाया मुझे क्यों निकाला तो ये मुझे क्यों निकाला सवाल नहीं करना लोगों को बताना है कि क्यों निकाला बताएं नवाज शरीफ साहब कि आपको क्यों निकाला था आप वो सारी साजिशें उनके पीछे जो मनसूबे थे उन, उनसे आगाह करें क्यों नहीं करते आप? आपको किसने खामोश कर रखा है और इसी तरह जो मौजूदा लोग हैं उनको भी ये मैं कहूँगा नवाज शरीफ तो आप जाहिर है कि इस वक्त इकतदार में नहीं है वो तो अपनी पुरानी कहानी बताएंगे जो इस वक्त हैं वो भी बताएं लोगों को बताएं अवाम को बताएं वो सुनेंगे वो आप पे पेतम करेंगे लेकिन हकायक सामने लाना ज़रूरी है ख़ुद ब खुद आप समझें कि लोग समझ जाएंगे किसी को ख्वाब में आ जाएगी ये बात कि ये अच्छा ये ऐसे हुआ था ऐसे नहीं होता तो अपडेट जारी रहेगी इन श्ला इजाज़त चाहते YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना